एग्जाम्पल फिफ्थ ये लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब रिकॉर्डेड रहेगा तो एटलीस्ट सबको पता रहेगा फिर। एनीवेज हाँ, सेकंड क्वेश्चन हिमांशु डाउट है, क्या था क्वेश्चन भाई, होमवर्क वाला जो सेकंड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? इफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी थी बस। हम्म, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा जी दिया हुआ है, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जो गिवन वैल्यू है वो देखते हैं, वैसे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू जी। अब ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि भाई हमको जो चाहिए उसके अंदर स्क्वायर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पे स्क्वायर आए, तो ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो एटलीस्ट यहाँ पे स्क्वायर बन जाएंगे। So this is what I'm going to do. I'm going to do squaring both sides. If I square both sides, कैसे आएगा ये? Tan theta plus cot theta का square और right side में क्या होगा? Z का square. इतना समझ में आ गया हिमांशु कि कुछ परेशानी बेटा? ओके okay, इसके बाद क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में? क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब टू इंटू ए इंटू बी। ये जी दिया था, टू दिया था मैंने, टू होगा ये, जी थोड़ी हो सकता है, टू होगा ये। राइट साइड में कितना आ जाएगा? फोर आ जाएगा, विच इज गोइंग टू का स्क्वायर। अब कैसे होगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा इंटू, अब कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो मतलब कॉट थीटा कैन बी रिटन एज वन अपॉन टेन थीटा और इक्वल टू फोर, तो आएगा ही यहाँ से टेन और टेन कट आएगा। कितना आएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू, क्योंकि टू इंटू वन है, दैट इज इक्वल टू फोर, टू उधर आके माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू टू, दिस इज द फाइनल आंसर। टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज टू। नाउ समझ में आ गया हिमांशु की कुछ परेशानी बेटा? ओके okay, जिसको करना है जल्दी से कर लेंगे। होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन ही वाला, फर्स्ट वाला सबसे बन गया था। ओके okay. हो जाए तो बता देंगे वो जल्दी से। ओके और कोई कर रहा है तो कर लो जल्दी से भाई, सबका हो जाए तो बता देंगे। मनस्वी अनुष्का हो गया लिखना बेटा। ओके करो जल्दी।
गया सबका। नमस्कार, ओके आई गेट दिस ऑप्शन। और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ फॉर ट्रिग्नोमेट्री विच इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? नाइंटी डिग्री वाले एंगल्स। वो तो राइट एंगल होते ना दिव्यांश। गुड, 90 इज द सम, मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है? इनका सम 180 होता है। 180 होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी को यूज करते हुए मेरे को लिखना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स हूज सम इज 90। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है मेरे को एंड इसके ऊपर ट्रिगो लगानी है थोड़ी सी। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर देता हूँ समझने के लिए। लेट्स से ट्रायंगल एबीसी है which is right angle at B. अब question के हिसाब से अगर एंगल B पर 90 है तो फिर A और C दो acute angles बन जाएंगे। And obviously sum angle property के हिसाब से इन दोनों का जो sum होगा that has to be equal to 90, क्योंकि ये अकेला एंगल ही 90 होता है। तो फिर एंगल A और एंगल C का जो sum आएगा वो भी 90 ही आना चाहिए। Implies angle A plus angle C should be equal to 90. और अगर इन दोनों angles का sum 90 है then ये दोनों angles कैसे कहलाएंगे? These will be termed as complementary angles. This is something that we have studied. अगर दो angles के sum 90 आता है तो उनको complementary angles बोलते हैं। मतलब जो दो acute angles है right angle triangle ABC के A और C, उन दोनों का sum क्योंकि 90 है इसलिए ये दोनों complementary angles कहलाएंगे। अब इसी में से करने के बजाय मैं थोड़ा basic तरीके से करूंगा ताकि आपको concept समझ में आए ढंग से। किसी भी point पे कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना, बहुत ईजी चीज है बट बहुत कंफ्यूजिंग लगती है कई बच्चों को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन में हर बार यूज होने वाला है। तो कुछ भी समझ में नहीं आया इमीडिएटली बता देना मुझे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि थीटा यहाँ पे है, मतलब एंगल सी जो है वो थीटा है, एक्यूट एंगल है, तो इसके हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस, ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है तो इसमें रिपीट नहीं करूंगा अभी इसको। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे को साइन थीटा निकाल के दिखाओ, साइन थीटा मतलब साइन सी की बात करूं क्योंकि थीटा मैंने सी पे लिया हुआ है बेसिकली, इसलिए मैं उसको थीटा बोल रहा हूं यहां पर, है ना। तो एक मिनट, आप सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो साइन थीटा अगर आपको निकालने को बोलूंगा दैट्स गोना बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वो आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये हमको ऑलरेडी पता है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसी के अंदर आप मेरे को एक और चीज निकाल के दिखाओ विच इज गोना बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वो कितना आएगा? बी सी अपॉन ए सी। इतना सबको समझ में आ गया, ये ऑलरेडी मेरे को पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हम लोगों ने काफी बार कर चुके हैं, तो बड़ी इजी चीज है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अलग कर रहा हूँ। ये एंगल सी थीटा था ना, तो मैं इसको लिखता हूँ एंगल ए प्लस थीटा इक्वल टू 90। ये मैंने नॉर्मल अपनी इक्वेशन में पुट किया है। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये उधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, बताओ? कोई परेशानी हो तो बताओ, इसमें सिर्फ अभी तक जितना पढ़ा है उसके अंदर। ओके, एवरीवन गेट्स दैट? क्या समझ में नहीं आया दिव्यांश? बताओ, जल्दी बताओ, क्या डाउट है?
ओके तो आगे बढ़ते अभी अपन इसके ऊपर। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं यार आप इस एंगल के हिसाब से, ये एंगल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, सर राइट एंगल ट्रायंगल चला गया, हाँ इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आई अभी अपने पास, इसकी वैल्यू आई है 90 माइनस थीटा, इतनी वैल्यू आई है ना अभी अपने पास इसकी जो हम लोगों ने निकाली है बेसिकली। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे को इसके हिसाब से साइन निकाल के दिखाओ, अब जैसे मैंने आपको अभी तक पढ़ा है थीटा और 90 माइनस थीटा कुछ है तो नहीं है, तो सिर्फ एंगल्स हैं, मतलब जब 90 माइनस थीटा सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आता होगा ना आपका, तो उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला है, इसके हिसाब से बेस ये वाला है, हाइपोटेन्यूज तो अभी भी वो हाइपोटेन्यूज भी तो चेंज नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे अगर आपको इस एंगल के हिसाब से साइन निकालना है तो क्या यहाँ पे साइन थीटा लिखोगे क्या, साइन थीटा नहीं लिख सकते ना हम लोग, साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि इसका जो एंगल है वो थीटा नहीं, इसका एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसके हिसाब से साइन थीटा कितना होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कितना आएगा BC अपॉन AC, ये इसके हिसाब से हुआ। उसी हिसाब से इसके लिए अगर आपको कॉस निकालना है तो ये एंगल कौन सा 90 माइनस थीटा एंगल है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वो कितना आना चाहिए AB अपॉन AC, मैंने डायग्राम में बेस बना के रखा है यहाँ पे, तो दैट विल बी AB अपॉन AC। अब अगर आप इन चारों चीजों को देखते हो, इनको अगर आप कंपेयर करते हो थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि भाई कौन सी राइट हैंड साइड वैल्यू दिख रही है इक्वल आपको, तो ये भी ए बी अपॉन ए सी है, ये भी ए बी अपॉन ए सी, तो ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए फिर, तो मतलब जो साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल। सिमिलरली इसका जो राइट हैंड साइड है बी सी अपॉन ए सी वो इसके इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, मतलब जो कॉज थीटा होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल। इतना समझ में आया अभी तक मैंने क्या बोला है, इसको और एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं, इतना समझ में आ गया कि सबको, अनुष्का समृद्धि आयुष समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा अभी तक इतना, ओके बहुत इजी चीज करी अभी तक हम लोगों ने, वापस समझते इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एंगल को यहां पे लिया सी पे लिया, उसको कितना लिया थीटा लिया, उसके हिसाब से मैंने कौन कौन से रेशियो निकाले, एक साइन थीटा निकाला और एक कॉस थीटा निकाला, उसके हिसाब से साइन थीटा कितना आया ए बी अपॉन ए सी आया था, और कॉस थीटा कितना आया था बी सी अपॉन ए सी आया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा वाला एक्यूट एंगल मतलब ए एंगल कंसिडर किया, ए एंगल की वैल्यू ऑलरेडी कितनी निकाल के रखी थी अपन ने 90 माइनस थीटा निकाल के रखी थी, तो इस एंगल के हिसाब से मैंने कौन कौन से रेशियो निकाले, सेम निकाले साइन और कॉस निकाले, बट हाँ थीटा नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि वो वाला एंगल थीटा नहीं है, वो वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, तो मैंने यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकाला और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकाला। इसके इस एंगल के हिसाब से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आ गया बी सी अपॉन ए सी आ गया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आ गया ए बी अपॉन ए सी आ गया। फिर जब चारों रेशियोज को एक साथ देखा तो जिनके आर एच एस इक्वल थे उनके एल एच एस भी इक्वल कर दिए, तो एक तो मेरे पास बन गया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, और एक बन गया कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब इसका मतलब क्या निकला, अब ये सोचो कि अगर आपके पास, अच्छा एक काम करो जरा इसको जरा लिख लो जल्दी से, फिर इसको और आगे समझाता हूँ आप लोगों को, और डिटेल में समझना है बहुत इसको हमको, जब पूरा लिखना हो जाए तो बता देंगे मेरे को प्लीज। लेट मी नो वंस यू गाइस आर डन विद दैट।
सबका हो जाए तो बता देंगे भाई। ओके सबका हो गया, अनुष्का, समृद्धि, अनिमेश, दिव्यांश, एवरीवन डन विद दिस? इसको इतना लिखना है बस, और समझेंगे अभी अपन। ओके इसको हटाता हूँ फिर मैं भी और इसको वापस पूरी तरीके से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कई लोग रेसिप्रोकल्स और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज हो जाते थोड़ा सा, तो उनके लिए आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा ये। चलो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया है, वैल्यूज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, नहीं आते हो तो आप अभी टेबल देख के देख सकते हो। अगर आप उस टेबल को देखते हो तो मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ और फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूंगा। मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, जिसके अंदर सपोज ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। अभी अपने देखा कैसे होता है तो नॉर्मल सम एंगल प्रॉपर्टी है, उससे निकाला अभी अपन ने। तो इस हिसाब से अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर पहले केस में, केस वन लेते हैं, सपोज जो थीटा है वो 30 डिग्री है, अगर थीटा 30 डिग्री है मतलब यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ मेरे को एंगल ए कितना हो जाएगा फिर, अगर C एंगल 30 डिग्री है तो एंगल A कितना होगा? मानसी गलत है, एंगल A विल बी 60, राइट? 90 माइनस 30 व्हिच इज गोइंग टू बी 60, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये एंगल आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब पहले तो अपन 30 डिग्री के हिसाब से देखते हैं, 30 डिग्री के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, या अगर आप नहीं भी करना चाहते आप डायरेक्टली कर सकते हो वैसे तो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में देख के बताओ मेरे को जरा, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, अगर आप टेबल देखोगे तो ऑब्वियसली आप वहां से मिल जाएगा आपको, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेबल देख सकते हो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब जरा टेबल देख के बहुत ध्यान से बताना कि कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, ये हमने देखा हुआ है बेसिकली। मतलब जो कॉस 60 है वो भी 1/2 आ जाएगा फिर तो। अब वापस दोनों रेशियो में RHS जो है वो इक्वल है तो फिर उनके LHS भी इक्वल होने चाहिए फिर तो। इस हिसाब से अगर दोनों के LHS इक्वल हो तो मैं कैसे लिखूंगा उनको कि जो साइन 30 है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है कॉस 60 के इक्वल, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। अब अगर आप इसको वापस जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था साइन थीटा को लिखा था हम लोगों ने, साइन थीटा को क्या लिखा था हमने, साइन थीटा को लिखा था कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। और अगर आप इसी इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हो जहां पे थीटा कितना लिया था अपन ने, 30 लिया था, तो कैसे लिखोगे आप इसको? आप इसको लिखोगे साइन 30 विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ 90 माइनस 30। ये समझ में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ साइन 30 की जो थीटा है उसकी 30 पुट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या आ रहा है। तो साइन थीटा कितना आ गया था अभी थोड़ी देर पहले अपना, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आया था, तो उस हिसाब से अगर मैं थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा, साइन 30 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ 90 माइनस 30। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, कॉस ऑफ 60 के इक्वल आनी चाहिए, और वो एक्चुअली मैंने देखा भी है, अगर आप टेबल के जो देखते हो तो इक्वल भी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 30 है उसको आप कॉस 60 भी लिख सकते हो क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 30 प्लस 60 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब जो जो 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होगी वही कॉस की भी होगी बट 60 डिग्री के ऊपर। इसी को एक और तरीके से समझते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि थीटा सपोज 60 डिग्री है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो फिर साइन थीटा को कैसे लिखेंगे अपन, हम लिखेंगे साइन 60
बट फिर साइन 60 किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए कॉस ऑफ 90 माइनस 60 के इक्वल, क्योंकि ये वाला जो थीटा होता है और ये वाला जो थीटा होता है ये सेम होता है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा मैंने सेम रखा हुआ, क्या किया मैंने साइन थीटा को लिखा है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, मतलब साइन 60 को लिखा है मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस 60 के फॉर्म में। तो मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो साइन 60 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ये आनी चाहिए कॉस ऑफ 30 के इक्वल। अब अगर आप टेबल देखोगे तो साइन 60 भी रूट 3 बाई 2 होता है, कॉस 30 भी रूट 3 बाई 2 होता है, मतलब यस द इक्वेशंस एक्चुअली वेरीफाई। इसका जो लॉजिक है यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि आप एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू। अब मैंने जो आपको बताया था शुरुआत में कि जो कंफ्यूजिंग पार्ट बच्चों में क्या होता है, कंफ्यूजिंग पार्ट ये होता है कि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते आए हो तो साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है, या जो cosec थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है, ये रेसिप्रोकल्स हैं। मतलब साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है या cosec का रेसिप्रोकल साइन होता है, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कॉस है। मतलब साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कॉस है, बट साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। तो ये बहुत ध्यान से याद रखना है। उसी प्रकार से कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन है, बट कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लगाना है और रेसिप्रोकल कहाँ लगाना है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप साइन को कोसेक के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप रेसिप्रोकल यूज करोगे, पर अगर आप साइन को कॉस के टर्म में यूज करना चाहते हो तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अभी तक जितना बताया मैंने वो समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी डाउट हो अभी बताओ। सबको आया समझ में कि नहीं आया भाई, अनुष्का, मनस्वी, समृद्धि, दिव्यांश, सबको समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आयुष, कोई भी परेशानी हो तो बताओ। सबको आ गया है तो ये लिख लो जल्दी से, पहले तो इतना लिख लो, फिर इसमें और आगे बढ़ाएंगे अपन इसको। इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने लायक, कि जब आप साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखते हो तो वो जो दोनों थीटा है वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर आप साइन 30 लेते हो तो उसको आपको कॉस ऑफ 90 माइनस 30 ही लिखना है, वैसे अगर आप कॉस 60 लेते हो तो उसको आपको साइन ऑफ 90 माइनस 60 ही लिखना है, राइट। तो वो एंगल सेम होना चाहिए, एंगल अलग मत कर देना प्लीज। सबको अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको लिखेंगे और जल्दी से कंप्लीट करके बताएंगे, हो जाए तो बता देंगे। सबका हो जाए तो बता देंगे यार।
ओके, बाकी लोग जो लिख रहे हैं वो जल्दी लिखेंगे। हो गया सबका, समृद्धि, मनस्वी, एवरीवन डन। शुड आई गेट दिस ऑफ? मनस्वी, समझौते हो गया नहीं हो गया बेटा? ओके, आई विल गेट इट ऑफ। देन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते अपन। तो अभी हमने रिलेशन किसका निकाला है? साइन और कॉस का निकाला है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, या कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ऐसे दोनों को अपन लिख सकते हैं। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बाकी रेशियोज के बारे में देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन निकल रहा है इनके बीच में। चलो वापस उसी राइट ट्रायंगल पे चलते हैं, ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। वापस अगर ये थीटा है तो दिस इज गोना बी 90 माइनस थीटा। अब जो रेशियो मैं निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं मैं कोसेक थीटा, थीटा के हिसाब से कोसेक निकाल रहा हूँ। तो वापस दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से मैं इसी एंगल पे सेक भी निकालता हूँ, सेक थीटा भी निकालता हूँ। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कितना आएगा? ए सी अपॉन बी सी आएगा। अब सेम चीज वापस मैं किसके हिसाब से करूंगा? अब मैं करूंगा 90 माइनस थीटा वाला एंगल के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से। तो उस हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, हाइपोटेनस में तो कोई चेंज नहीं आते हैं। वापस सेम निकालूंगा, कोसेक और सेक ही निकालूंगा, बट कौन सा एंगल के लिए? 90 माइनस थीटा एंगल के लिए। मतलब आई कैन राइट कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट? कोसेक क्या हो जाएगा इसमें? इट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए सी अपॉन बी सी। सिमिलरली अगर मैं इसका सेक निकालने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सेक कितना कैसे निकलेगा इसका? इट विल बी सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, विच इज द रेसिप्रोकल फॉर कॉस, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी। वापस अगर हम इन चारों रेशियोज को कंसिडर करते हैं, जैसे पिछली बार भी किया था अभी अपन ने, इनको कंसीडर करना है। मनस्वी, आर यू एबल टू हियर मी नाउ प्रॉपरली और नॉट? कोई ऐसा है जिसको आवाज में परेशानी हो रही है? भाई आवाज सुनने में तो बता दो, आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही है? Guys, is everyone able to hear me or not? Okay. So in that case, अभी चारों रेशियो देखते हैं। इसका आर एच एस क्या है भाई? ए सी अपॉन ए बी है। वो किसके इक्वल है? यहाँ पे है, वो भी ए सी अपॉन ए बी है। तो इसका जो एल एच एस है कोसेक थीटा, वो किसके इक्वल आना चाहिए फिर? तो वो आना चाहिए सेक ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर। उसी तरीके से इसका आर एच एस ए सी अपॉन बी सी किसके इक्वल है? यहाँ पे इक्वल है ए सी अपॉन बी सी के। तो इसका जो एल एच एस है विच इज सेक थीटा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा के।
इसका मतलब आपके पास एक और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया कोसेक और सेक का, मतलब कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है बट कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है। उसी तरीके से सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस होता है बट जो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कोसेक होता है। मतलब अगर आप कोई भी एक एंगल यहाँ पे चूज करते हो कोसेक के लिए तो वो वही वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब वही एंगल प्रोड्यूस करने वाला है। वेरीफाई करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा को 30 डिग्री मान लेता हूँ, मतलब कैसे आएगा कोसेक ऑफ 30 डिग्री वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस 30। मतलब अगर आप ये सही बोलते हो तो कोसेक 30 की वैल्यू आनी चाहिए सेक 60 के बराबर, जो अगर आप टेबल में वेरीफाई करोगे कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 और सेक 60 की भी वैल्यू 2 ही होती है। मतलब यस दिस थिंग एक्चुअली वेरीफाइज। समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये कुछ परेशानी हो तो बताएंगे भाई, अभी तक कोई भी डाउट हो अभी तक को बताओ मेरे को। सबको आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से लिखेंगे। ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, पहला साइन और कॉस का था, अब कोसेक और सेक का है, तो जल्दी से इसको कर लेंगे। हो जाए तो बताएंगे। क्या समझाना दिव्यांश बेटा, वापस मेरे को बताओ क्या समझाऊं वापस में। हाँ दिव्यांश क्या बताना बेटा बताओ। हो जाए तो बताएंगे वैसे लोग। सेकेंड कॉलम मतलब कौन सा, जो मैंने पहले कोसेक और सेक का निकाला था वही सेकेंड 90 माइनस थीटा एंगल के हिसाब से कोसेक और सेक निकाला है, और फिर वैल्यूज को इक्वेट किया जैसे साइन कॉस में किया था सेम यहाँ पे भी किया, कुछ अलग थोड़ी किया बेटा इसमें। लेट मी नो व्हेन एवरीवन इज डन गाइस। जल्दी करेंगे थोड़ा सा, एक और पेयर बताना है फिर अपन को। एवरीवन डन? समृद्धि, अनिमेश, अनुष्का, शुड आई गेट दिस ऑफ? अनुष्का हो गया बेटा। ओके,
I'll get this off. We'll go on to the last pair that we have now. Let's go down on here. अब जो लास्ट पेयर बचा ऑब्वियसली दो ही रेशियो बचे हैं टैन और कॉट के, तो वो देखेंगे वापस. सबसे पहले मैं थीटा के हिसाब से काम करूंगा. तो ये अपना परपेंडिकुलर है, ये बेस है. सबसे पहले क्या निकालता हूं मैं, टैन थीटा निकाल लेता हूं. टैन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. वैसे ही कॉट थीटा निकाल लिया, कॉट थीटा कितना होता है, टैन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन ए बी. ये निकाल लिया मैंने यहाँ से. इसके बाद मैं गया दूसरे एंगल पे, मतलब मैं गया 90 माइनस थीटा के हिसाब से. तो इसके हिसाब से ये जो साइड आएगी, ये आएगी परपेंडिकुलर, ये आ जाएगी बेस. तो इसके हिसाब से टैन किसका निकलेगा, 90 माइनस थीटा का निकलेगा, क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है. तो टैन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब वो कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा. और कॉट भी किसका निकलेगा, 90 माइनस थीटा का, वो कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा. वापस अगर आप इन चार रेशियोज को एक साथ देखते हो, तो जो आर एच एस वाले हैं उनको देखोगे, आर एच एस किसका, ए बी अपॉन बी सी यहाँ पे भी है, ए बी अपॉन बी सी यहाँ पे भी है, मतलब इनके एल एच एस कौन कौन से इक्वल होंगे. तो टैन थीटा शुड बी इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा. उसी तरीके से बी सी अपॉन ए बी यहाँ पे भी है, बी सी अपॉन ए बी यहाँ पे भी है, तो इनके एल एच एस भी इक्वल होने चाहिए फिर. तो मतलब जो कॉट थीटा आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए टैन ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एंगल्स को सेम रखते हो, तो जो टैन थीटा है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड कॉट थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज टैन ऑफ 90 माइनस थीटा. वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से, थीटा की वैल्यू कितनी, 30 ले लें. तो कैसे लिखूंगा टैन के लिए, मैं लिखूंगा टैन 30 दैट शुड बी इक्वल टू वॉट कॉज ऑफ 90 माइनस 30, क्योंकि मेरे को वैल्यू सेम रखनी रहती है यहाँ पे. तो मतलब टैन 30 शुड एक्चुअली कम आउट टू बी इक्वल वॉट cot 60, 90 माइनस 30 60. अगर आप टेबल से वेरीफाई करेंगे तो tan 30 भी 1 बाय रूट 3 होता है, cot 60 भी 1 बाय रूट 3 होता है, विच वेरीफाइज योर रिलेशन. तो tan और cot में एक चीज इजी है कि tan का रेसिप्रोकल भी cot होता है और tan का कॉम्प्लीमेंट्री भी cot होता है, जो sin cos या sec cosec के साथ में नहीं होता है. तो tan और cot में ये एक इजी चीज है कि वो रेसिप्रोकल्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्रीज भी है. अभी तक कुछ परेशानी समझने में भाई, इसमें टैन और कॉट समझ में आ गया आपको, रिलेशंस की नहीं आए, कोई परेशानी हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो. सबको समझ में आ गया, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? हिमांशी, अनिमेश, समृद्धि, अनुष्का, आयुष, एवरीवन हैज गॉट दिस? ओके, सबको समझ में आ गया, जल्दी से लिख लेंगे इसको, जब हो जाए तो बता देंगे मेरे को यार. हो जाए तो बताएंगे जल्दी से प्लीज. ओके, जल्दी करो भाई, जिसका बचा है जल्दी करो. मनस्वी, अनिमेश, दिव्यांश, कोई बचा है लिखने के लिए? मनस्वी, समृद्धि,
Everyone done? Okay, I'm getting this often. Obviously, video will be available on YouTube, guys. So if someone has missed something, obviously you guys can always go back to the videos and revise your concepts there. Doubts वहीं पे पूछ सकते हो comments में या मुझसे live में पूछ सकते हो, आपकी choice है. So this is what complementary angles is all about. वापस देख लेते हैं. The sine theta can be written as what? Cos of 90 minus theta. या cos theta can be written as sin of 90 minus theta, क्योंकि ये complementary pair है. इसके अलावा cosec theta can be written as what? Sec of 90 minus theta. Similarly, sec theta can be written as cosec of 90 minus theta, क्योंकि ये complementary pairs हैं. और इसके अलावा तीसरा pair is tan theta equal to cot of 90 minus theta and cot theta equal to tan of 90 minus theta. So ये complementary pairs हैं जो बहुत important रहेंगे हमारे लिए. This is the first pair, this is the second pair, this is the third pair. ये आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं और आपको सॉल्व करते आना चाहिए इनके ऊपर क्वेश्चंस. क्वेश्चंस ऑब्वियसली अपन करेंगे. अगर आपको की पॉइंट्स के हिसाब से इनको एक साथ लिखना हो तो वापस लिख लो, आपकी चॉइस है, क्योंकि अभी तो लिखा हुआ है आप लोगों ने. कोई लिख रहा है क्या इसको तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उस पर. लिख लो जल्दी से, अगर कोई लिख रहा हो तो लिख लो. ठीक है, सो आई विल गेट ऑफ इन दैट केस. कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं आप लोगों को कि भाई कैसे करते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चंस. बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं आज अपन. नेक्स्ट क्लास से इसको और एक्सपैंड करेंगे फिर अपन. सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस तरीके से कि भाई क्वेश्चन बोल रहे इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है साइन 20 अपॉन कॉस 70 की. अब ऑनेस्टली टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें ना तो 20 डिग्री की वैल्यूज दी हुई है ना 70 की दी हुई है. मतलब हम लोग ये क्वेश्चन डायरेक्टली टेबल को यूज करके नहीं कर सकते. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, क्या जो एंगल्स आपको दिए हैं क्या उन दोनों का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो 20 और 70 का सम 90 आता है. तो इस हिसाब से मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं. अब इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब ऐसे सिंगल वैल्यूज, ऑब्वियसली बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती है, अगर ऐसे सिंगल वैल्यूज है तो जो की पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ओनली चेंज वन वैल्यू. ओनली चेंज वन वैल्यू का मतलब है या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो या तो डिनोमिनेटर को करो, दोनों को एक साथ मत कर देना, नहीं तो वापस ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको सॉल्व नहीं कर सकते आप. ठीक है, वो भी करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या होता है. फिर अभी के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों से करके देखेंगे अलग अलग. सपोज अपन पहले न्यूमरेटर को चेंज करते हैं. अब न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं मतलब मैं साइन 20 को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ. अब यहाँ पे जो 20 डिग्री है ये क्या थीटा एक तरीके से, और हमको ऑलरेडी पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है cos of 90 minus theta के इक्वल, राइट. तो मतलब sin 20 किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए cos of 90 minus 20 के इक्वल. भाई ये जो एंगल और ये जो एंगल है सेम रखना है. इतना समझ में आ गया सब लोगों को कि नहीं आया, इसमें कुछ परेशानी हो तो बताओ मेरे को. सिर्फ इतना समझ में आया क्या अभी तक? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? अनुष्का, रमेश, मनस्वी, आयुष, समृद्धि, दिव्यांश, ओके, सबको समझ में आ गया, गुड जॉब. इसको आगे बढ़ाते हैं. तो मतलब यहां से इसको मैं यहां पे ऊपर करता हूं. अगर आप साइन 20 की वैल्यू निकालते हो, यहां से साइन 20 की वैल्यू निकालते हो तो वो कितनी आ जाएगी फिर वहां से, कॉज ऑफ 70 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 20 तो 70 हो जाता. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में जो आपको साइन 20 दिया है इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos 70 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है. तो आई कैन राइट व्हाट,
cos 70 किसके जगह पे, sin 20 की जगह पे, और नीचे तो ऑलरेडी cos 70 पहले से दिया ही हुआ था, तो व्हाट्स गोना बी cos 70 अपॉन cos 70 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, मतलब sin 20 अपॉन cos 70 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी तरीके से अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज करते, डिनोमिनेटर को चेंज करते तो किसको चेंज करना है अपन को, cos 70 को चेंज करना है। cos 70 कैसे लिखा जाता, sin of 90 minus 70 लिखा जाता है, क्योंकि cos थीटा कितना होता है, sin of 90 minus थीटा होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल दोनों सेम रखना है, मतलब cos 70 के वाली किसकी इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी sin 20 के बराबर आ जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर में जो cos 70 है उसके आगे क्या लिख सकता हूं मैं, sin 20 लिख सकता हूं, न्यूमरेटर में तो पहले से sin 20 दिया था, डिनोमिनेटर में वापस क्या लिख दिया मैंने, sin 20, ये भी कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को करो, बात एक ही है, आंसर एक ही आता है। व्हाट इफ अगर आप दोनों को चेंज कर देते, अगर आप दोनों को चेंज कर दे तो क्या आता, sin 20 की जगह क्या हो जाता, इसकी जगह हो जाता cos 70, cos 70 की जगह क्या आ जाता, इसकी जगह आ जाता sin 20। ऑब्वियसली अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वापस वैसी स्थिति आ गई जो शुरुआत में थी, वही सिचुएशन क्रिएट हो गई। इसलिए की पॉइंट बहुत याद रखना है कि भाई सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना है, दोनों वैल्यूज को चेंज कभी नहीं करना है, और बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि भाई जिन एंगल्स का सम 90 हो रहा है उनके अकॉर्डिंगली प्ले करो। ऑब्वियसली आगे और क्वेश्चंस आएंगे, अभी और बताऊंगा आप लोगों को, पर जैसे भी रहेगा। इतना सबको समझ में आ गया क्या, कोई डाउट तो नहीं है इसमें भाई किसी को, अगर किसी को डाउट नहीं है तो जल्दी से लिख लेंगे भाई इसको, फिर सिंपल चीज है, जल्दी से लिखो इसको। जब हो जाए तो बता दूंगा मैं सब लोग। If the value is not 90, then obviously we cannot solve it by complementary. उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका होगा। I'll explain it further जब question मिलेगा मेरे को इस प्रकार से। बताऊंगा कि क्या करते हैं। सबका हो गया भाई? मनस्वी, हिमांशी, समृद्धि, सबका हो गया बेटा लिखना? आयुष हो गया बेटा? ओके, आई विल गेट दिस ऑफ देन। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे काम होता है इसमें।
ओके क्वेश्चन कर रहे हैं फिर एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे कोई भी तो भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 30 प्लस कॉस 40 माइनस साइन 50 होल अपॉन टैन 45 माइनस कॉस 80 प्लस सेक 10 इसको सॉल्व करने को बोल रहे हैं वो लोग अपन को। अब जब भी क्वेश्चन आते हैं भाई अब यहाँ पे दो दो तीन तीन टर्म्स आ गए ऊपर नीचे तो डायरेक्टली तो काट सकते नहीं अपन क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर पूरा ही। तो अब आपको क्या करना है पहले तो ये देख लो कि क्या ऐसी कोई एंगल्स है जिनके वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है। तो जैसे टेबल हमको पता है तो उस हिसाब से साइन 30 और tan 45 दोनों की वैल्यू हमको टेबल में मिल जाएगी तो वो तो पुट कर सकते हैं कम से कम लोग वहां पे। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हमको ऑलरेडी टेबल के थ्रू पता है। तो इसलिए अब अगर अपन को उसको सॉल्व तो नहीं करना है, अपन को सॉल्व किसको करना है, ये cos 40 और sin 50 मेरे को दिख रहा है देखो 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है cos और sin के, उसी तरीके से 80 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 समाता है और कोजेक और सेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वापस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, वही की पॉइंट था अपना। तो कॉज और साइन में से किसी एक को चेंज कर दो, कोजेक और सेक में से किसी एक को चेंज कर दो। लेट से मैं न्यूमरेटर में से कॉज को चेंज करता हूँ तो कॉज 40 को कैसे लिखेंगे अपन, कॉज 40 कैसे हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 40, ये कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा हुआ है अभी तक अपन ने, मतलब कॉज 40 जो न्यूमरेटर का है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज साइन 50। उसी तरीके से जो डिनोमिनेटर में फॉर एग्जाम्पल जो कोजेक 80 है उसको चेंज कर लेते हैं तो कोजेक 80 को कैसे लिख सकते हैं अपन, कोजेक 80 कैन बी रिटन एज सेक ऑफ 90 माइनस 80 क्योंकि कोजेक थीटा इज सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब कोजेक 80 कैन बी रिटन एज सेक 10। तो अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देता हूं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस ऑफ कॉस 40 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 50, तो यहां पे साइन 50 लिख दिया, माइनस साइन 50 पहले से था, जैसे मैंने आपको बोला सर एक वैल्यू को चेंज करनी दोनों को चेंज नहीं करना हमको एक साथ, उसी तरीके से टैन 45 कितना होता है 1, फिर कितना है माइनस कोजेक 80 की जगह क्या लिख सकता हूं सेक 10 एंड प्लस ऑफ सेक 10 तो पहले से था ही अपने पास यहां पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन 50 माइनस साइन 50 कैंसिल हो गया, माइनस सेक 10 प्लस सेक 10 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1/2/1, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। सो ये लॉजिक है पूरे क्वेश्चंस का कि भाई जिनको आप सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट कर सकते हो वो कर दो, जिसको नहीं कर सकते उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री को बनाने की कोशिश करो। कुछ एंगल्स कई बार बन जाते कुछ बार कई बार नहीं बन पाते, उनको ऑब्वियसली बताऊंगा कैसे करते हैं। ये सबको समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है किसी को तो बता दो। कोई भी डाउट हो बता दो भाई। ओके सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जल्दी से लिख लो इस क्वेश्चन को भी, जल्दी से इसको भी कर लो। हो जाए सबका तो बताएंगे भाई। सबका हो गया मनसी समृद्धि
अनिमेश हो गया बेटा सब लोगों का? ओके सबका हो गया है, गुड जॉब। सो भाई आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा बेसिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, दो ही क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। आज कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को ज्यादा, मैं अगली क्लास में थोड़ा सा और पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद अपन होमवर्क पे काम करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? भाई कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। ओके अगर किसी को डाउट नहीं है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। विल एंड द क्लास टुडे हियर इटसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर नोट। एंड बाकी किसी को वापस देखना है वीडियो तो दे कैन गो ऑन यूट्यूब बाय इवनिंग, आज शाम को या रात तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है वहां पे, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, देख लेना वहां से। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। आई विल सी यू गाइस बैक अगेन टुमारो विद इलेक्ट्रिसिटी एंड चलो बाय बाय, टेक केयर। चैनल का नाम यार कल मैंने लिंक दी थी, यहाँ पे लिंक सेंड कर रहा हूँ वापस। ओके दिस इज द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इसके ऊपर। सारे वीडियोस आप लोग के हैं मैथ्स के, इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियोस बाय संडे विच इज डे आफ्टर टुमारो आ जाएंगे। कल की क्लास तक के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे वहां पे। मैथ्स के तो सारे ही हैं बट इलेक्ट्रिसिटी के परसों तक अपलोड हो जाएंगे वहां पे सारे। चलो ठीक है, आई विल सी यू गाइस टुमारो इन दैट केस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।